नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया डे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका व्हाट्सएप में वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो कि मैं रिसेंट एसएमएस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा ऑप्शन इनेबल नहीं है और यहां पर 7 hours दिखा रहा है, यानी मैं 7 घंटे से पहले अपना वेरिफिकेशन कोड नहीं मंगा सकता और अपने व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरा कॉल मी का ऑप्शन अभी इनेबल है, तो यहाँ से अगर आपका भी कॉल मी का ऑप्शन इनेबल है तो आप कॉल मी पर क्लिक करके आपको एक कॉल आएगा, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ पर डाल दोगे तो आपका व्हाट्सएप चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आपका कॉल मी का ऑप्शन भी इनेबल नहीं है और यहाँ पर भी टाइम दिखा रहा है 2 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी अगर आपको यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप को 5 मिनट के बाद में चला सकते हो। तो आपको ये काम अपने मोबाइल फ़ोन में करना होगा और कैसे करना है आज की वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और जो भी ये जो एप्लीकेशन है इसको डायरेक्ट कट करना है, ना कि इसको बंद करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, जो भी मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन ढूंढना है, जो भी यहाँ पर व्हाट्सएप का ऐप्स आ चुका है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा परमिशन का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन की परमिशन को ऑफ कर देना है। बस इतना सा काम कर लेना है, उसके बाद में आपको बैक आना है। उसके बाद में आपको क्या सेटिंग करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो ऑटो डेट टाइम है ना इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको एक टाइमर दिखाई देगा, यहाँ पर डेट, अगर आपका व्हाट्सएप में 2 days, 3 days, 4 days दिखा रहा है तो सेट डेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेट को कम करना है। लेकिन फिलहाल अभी मेरा जो हाउस की प्रॉब्लम दिखा रहा है यानी टाइम लगा हुआ, तो इसके सेट टाइम पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अभी 9 है तो यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा और इसके ऊपर मैं डन पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं मिनिमाइज करूँगा और अपने व्हाट्सएप को फिर से ऑन कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 6 घंटे दिखा रहा है, अभी 7 घंटे दिखा रहा था और अभी यहाँ पर 6 hours ही दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट टाइम पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं 11 कर देता हूँ। ये काम आपको धीरे धीरे करना है, फास्ट स्पीड से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 घंटे एक साथ ही बढ़ा दो, व्हाट्सएप स्पैम समझ जाएगा और आपको यहाँ पर इनेबल नहीं होगा आपका एसएमएस का। तो ठीक है, आपको धीरे धीरे ये काम करना है। तो चलिए यहाँ से 1 घंटा मैंने बढ़ाया, 1-1 घंटा ही आपको बढ़ाना है, फिर आपको डन पर क्लिक कर लेना है। वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं सब कुछ लाइव करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5 घंटे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको ये काम बार बार करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो भी ब्लर कर रहा हूँ वो मेरा नंबर ना दिखे इसीलिए मैं ब्लर कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये ट्रिक वर्क नहीं करे, 101% ये वर्क करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेट टाइम है, तो इसको आपसे फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइम को कम कर लेना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे इस टाइम को कम। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर मुझे 1 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद मेरा कोड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रिसेंट एसएमएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है और ऑटोमेटिक मेरा कोड भी आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन ये कोड आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चलिए यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ और कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप है, जो आगे का प्रोसेस देखता हूँ कि मैं कंप्लीट होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को सक्सेसफुली इसे यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।